गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आरजे आशीष स्वागत करता हूं आपका रेडियो उड़ान के मजेदार गेम शो 20 सवाल में। एक ऐसा गेम शो जहां पे कंटेस्टेंट्स करते हैं सवाल और क्विज मास्टर देता है जवाब। तो आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य पर आज हमारे साथ हैं दो फीमेल कंटेस्टेंट्स जो हमारे साथ खेलेंगे ये मजेदार गेम शो। तो चलिए मिलते हैं अपनी कंटेस्टेंट्स से। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं दो नए कंटेस्टेंट्स। आज हमारे साथ हैं हरियाणा से मांडवी जी और दिल्ली से पारुल जी। मांडवी जी, स्वागत है आपका 20 सवाल में। थैंक यू सो मच। अपने बारे में कुछ बताइए हमारे लिसनर्स को। मैं मांडवी हूँ हिसार से, और शायद हमारे लिसनर्स मुझसे पहले भी मिल चुके होंगे क्योंकि मैं 2-3 बार आ चुकी हूँ। And I hope so, कि बहुत मजा आने वाला है इस शो पे आज फिर से। अब मैं स्वागत करता हूँ पारुल जी का जो कि हैं दिल्ली से। पारुल जी, स्वागत है। थैंक यू आशीष जी। अपने बारे में कुछ बताइए हमारे लिसनर्स को, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आप एक बहुत ही मशहूर किरदार लच्छो को प्ले करती हैं हमारे वीकली प्रोग्राम में। जी, लिसनर्स तो मुझे जानते ही हैं एक लच्छो देवी के रोल में, और वैसे मेरा नाम पारुल है, न्यू दिल्ली से, और इस शो में मैं फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रही हूँ। और आई डोंट नो कि मजा आने वाला है या नहीं, मुझे ये तो पता है कि मांडवी तो बैंड बजने वाली है। कोई बात नहीं यार, बैंड बज लेने दे। हाँ ठीक है, चल चलिए। और कुछ होना हो 20 सवाल में, इस बार ऑर्केस्ट्रा पूरा होने वाला है तो हम सब इसको एंजॉय करेंगे। बहुत ही सिंपल सा गेम शो है, पर्सनालिटीज आपने गेस करनी है, अपनी मनपसंद कैटेगरी चूज करेंगे और उसके बाद 20 क्वेश्चंस में कोशिश करेंगे कि उस पर्सनालिटी को आप गेस करें। दो राउंड होंगे इस गेम में, पहला होगा 1-on-1 और दूसरा होगा फेस ऑफ राउंड। 1-on-1 राउंड में आप एक एक करके पर्सनालिटी को गेस करेंगी और फेस ऑफ राउंड में इकट्ठे एक पर्सनालिटी को गेस करने की कोशिश करेंगी। पहले हम शुरू करेंगे 1-on-1 राउंड। इस राउंड में आपके पास कुल 20 सवाल होंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे पर्सनालिटी को गेस करने के लिए। 10 मिनट का टाइम होगा। आप जो सवाल मेरे से पूछेंगे उनका जवाब मैं केवल हाँ और ना में दूंगा आपको। तो बहुत ही सिंपल है। पहले हमारे साथ ये गेम खेलेंगी मांडवी जी। मांडवी जी, तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। तो मांडवी जी, आपकी चार कैटेगरीज हैं पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, हिंदू माइथोलॉजी एंड बिजनेस। कौन सी कैटेगरी चूज करना चाहेंगी? माइथोलॉजी। तो आपने चूज किया है हिंदू माइथोलॉजी, बहुत बढ़िया। इसको गेस करने के लिए आपके पास होंगे कुल 10 मिनट और आपका टाइम मांडवी शुरू होता है अब। क्या ये आशीष रामायण में से? आशीष रामायण में से तो नहीं है, खैर, पर ये जो पर्सनालिटी है ये भी रामायण में से नहीं है। नहीं है। महाभारत में से? क्या ये पर्सनालिटी महाभारत में से है? जी हाँ, ये पर्सनालिटी महाभारत में से है। महाभारत में से, ओके। क्या ये दशरथ की फैमिली में से है? मांडवी जी, आपका दूसरा सवाल था क्या ये महाभारत में से हैं? मुझे नहीं लगता कि दशरथ महाभारत में थे, तो ये दशरथ की फैमिली में से थे। हाँ। नहीं है। रुको, ये पांडव है कि कौरव है? मतलब कि पांडव है क्या? ये पांडव हैं? जी नहीं, ये पांडवों में से एक नहीं है। पांडवों में से एक नहीं है। अच्छा, तो ये कौरवों में से है? क्या ये कौरवों में से एक है? जी नहीं, ये कौरवों में से एक भी नहीं है। अच्छा रुको एक सेकेंड, फिर पांडव गए, कौरव गए, महाभारत में और कौन था भाई? महाभारत में और बहुत सारे लोग थे। जो आप ये पूछेंगे ये अब आपका छठा सवाल होगा। ये वो थे जो नहीं, वो तो रामायण थी यार, रुको। ये उस युद्ध में थे, लास्ट वाले युद्ध में जो हुआ था महाभारत का? क्या इन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया था? आपका सवाल ये है?
हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ, इन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया था। ये वो तो नहीं थे जो तीरों की शैया पे लेटे थे, बाणों की शैया पे? क्या इनको तीरों की या बाणों की शैया पे लिटा दिया गया था? जी नहीं। जी नहीं। अच्छा, ओके। तो अच्छा, ये मेल है कि फीमेल? क्या ये पर्सनालिटी मेल हैं? जी हाँ, ये पर्सनालिटी मेल हैं। अच्छा चलो, वो भी सारे कट गए तीरों पे नहीं लेते थे। अच्छा, ये गुरु थे? गुरु? क्या ये गुरु थे किसी के, पांडवों या कौरवों के गुरु में से एक थे, गुरुओं हाँ में जी, से हाँ एक थे? हाँ जी जी, हाँ नहीं। जी, जी नहीं। नहीं। T-7 minutes. नहीं। ओहो, ये वो तो नहीं थे कूटनीतिज्ञ, कूटनीति वाले? क्या ये वो थे जो अपनी कूटनीति के कारण प्रसिद्ध हैं? आपका सवाल ये है? हाँ, जी हाँ। नहीं स्पेसिफिकली कूटनीति नहीं, मतलब कि आई वांट टू आस्क कि जो वो विदुर थे, विदुर? आपके पास दो गैस होते हैं इस गेम में मांडवी जी, आप दो गैस ले सकते हैं। तो क्या आप अपना एक गैस लेना चाहेंगे कि ये विदुर हैं? क्या आप ये गैस लेना चाहेंगे इस स्टेज पे? नहीं, जो आप पूछेंगे ये आपका 11वां सवाल होगा। -6 minutes. यार, ये तो कौन, महाभारत में कौन था? द्रोणाचार्य? अच्छा, ये किसी के फ्रेंड थे? फ्रेंड, मित्र थे? मित्र कौरवों के, कौरवों में किसी के, दुर्योधन के? क्या ये किसी के मित्र, दुर्योधन के मित्र की तरह जाने जाते हैं महाभारत में? आपका सवाल ये है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी नहीं। नॉट स्पेसिफिकली। इनका इस करेक्टर का क्या महाभारत के अलावा भी और बहुत सारी जगहों पे वो है, मतलब कि अस्तित्व? क्या इनका महाभारत के अलावा भी वर्णन आता है? आपका ये है सवाल? हाँ जी, हाँ जी, -5 minutes. जी हाँ, इनका महाभारत के अलावा भी वर्णन आता है। कृष्ण भगवान, मेरा फर्स्ट गेस। आपका पहला गैस है ये कि क्या ये कृष्ण जी हैं? तो जवाब है जी हाँ, ये कृष्ण जी ही हैं। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। 12 अच्छा, सवालों में गेस कर लिया है कि आपकी पर्सनालिटी कौन सी थी। बहुत ही अच्छा खेला आपने। तो ये था हमारा पहला राउंड मांडवी जी के साथ, जिन्होंने 12 क्वेश्चंस में गेस कर लिया कि ये पर्सनालिटी जो उनके लिए चूज की गई थी वो कौन सी थी, जो कि थी भगवान कृष्ण, जिनका महाभारत में काफी वर्णन आता है। महाभारत के अलावा भी ये काफी मशहूर हैं, बहुत सारी कहानियां इनसे लिंक्ड हैं। तो मांडवी जी ने पहले राउंड में 12 सवालों में गेस करके गेन कर लिए हैं पूरे 8 पॉइंट्स। और अब हम खेलेंगे अपनी ये गेम पारुल जी के साथ, पर हम ये करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मृदुता का जिसमें है वास, रसों का है जिसमें एहसास, सबके अधरों पर जिसका नाम, ऐसी हिंदी भाषा को कोटि कोटि प्रणाम। अरे वाह अनीता, ये तो बहुत अच्छी कविता है आपकी। आप कहीं रेडियो और टीवी पर क्यों नहीं जाती? क्या करूं, चाहती तो मैं भी हूँ, पर ऐसा कोई अवसर ही नहीं मिला। अब अवसर तलाशने की आवश्यकता नहीं है अनीता जी, क्योंकि मैं यानी ज्योति मलिक लेकर आ रही हूँ ऐसा ही एक शो, जिसमें मैं लेकर आऊंगी आपके अंदर छिपे हुनर को सबके सामने। तो तैयार रहिएगा, सुनिए और पार्टिसिपेट कीजिए प्रोग्राम छुपे रुस्तम में, हर शुक्रवार रात 8 से 9, रिब्रॉडकास्ट हर शनिवार दोपहर 3 से 4। पार्टिसिपेट करने के लिए
लॉगिन करें www.radioudaan.com/participate और मेल करें mail@radioudaan.com. हैप्पी फ्लाइट ऑफ लाइफ. वेलकम बैक लिसनर्स. आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक, तो हमने ब्रेक पे जाने से पहले देखा कि मांडवी जी ने अपनी पर्सनालिटी गेस कर गेन कर लिए हैं 8 points, और अब बारी है पारुल जी की. पारुल जी तैयार हैं आप? हाँ जी बिल्कुल. बहुत बढ़िया. तो आपकी 4 कैटेगरीज भी सेम है, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स, हिंदू माइथोलॉजी एंड बिजनेस. क्या चूज करना चाहेंगी? बॉलीवुड. बॉलीवुड, बहुत बढ़िया. तो रूल्स बिल्कुल सेम है, जैसे कि मैंने मांडवी जी को बताया था. कुल 20 सवाल आपके पास हैं गेस करने के लिए. 10 मिनट का टाइम है. 2 गलत गेस आप ले सकती हैं, जिसमें आपको गेस करना है कि ये पर्सनालिटी कौन सी है. और आपका टाइम शुरू होता है अब. क्या ये पर्सनालिटी मेल है? क्या ये पर्सनालिटी मेल है? जी नहीं, ये पर्सनालिटी मेल नहीं है. क्या ये पर्सनालिटी 80s के टाइम की है? क्या ये पर्सनालिटी 80s के टाइम की है? हाँ मतलब 80s 90s. मतलब जो इनकी मूवीज आई हैं वो 80s और 90s में आई हैं. हाँ. जी नहीं. ओके. क्या ये पर्सनालिटी किसी की वाइफ है? क्या ये पर्सनालिटी मैरिड है? mm-hmm. जी नहीं, ये पर्सनालिटी मैरिड नहीं है. ओके. भाई चौथे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा. T-9 minutes. पूछ, गर्लफ्रेंड है? चौथा सवाल. मैरिड भी नहीं है. अच्छा तो क्या ये पर्सनैलिटी 2000 के बाद की मूवीज में आई है? क्या ये पर्सनैलिटी 2000 के बाद की मूवीज में आई है? जी हाँ बिल्कुल. थैंक गॉड. ओके. एक पे तो हाँ बोला. हाँ यार. अच्छा क्या इस पर्सनालिटी की कोई मूवी नहीं यार, क्वेश्चन गलत है. पूछ ले पूछ ले. अच्छा तू चुप गए. अच्छा अच्छा. क्या पूछूं? अबे यार तेरे को बोला था गलत पूछ रहे, तो तूने मेरे को डांट दिया. पांचवा सवाल. पांचवा सवाल. क्या ये पर्सनालिटी, हाँ सुनो मेरा क्वेश्चन मिल गया. क्या ये पर्सनालिटी किसी मतलब पुराने एक्टर की डॉटर है? क्या ये पर्सनालिटी किसी पुराने एक्टर की डॉटर? हाँ मतलब इनके फादर जो है वो पहले एक्टर थे. क्या इनके फादर एक्टर थे? जी नहीं, इनके फादर एक्टर नहीं थे. क्या इसके दूसरा क्वेश्चन का आंसर तो तुम खुद ही दे दिया करो कि मदर भी नहीं थी कि मदर थी. वो दूसरा सवाल हो जाएगा. तो तुम दीना पागल. छठा सवाल क्या आपका ये है कि क्या इनके मदर एक्ट्रेस हैं? आप ये जानना चाहते हैं? जी नहीं, हमें नहीं जानना. फादर से ही बहुत कुछ समझ में आ गया. ओके 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 ओके. यार मैरिड भी तो नहीं है ना, गड़बड़ तो ये भी है. ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है. मैरिड भी नहीं है, फादर भी एक्टर नहीं है, और 2000 के बाद की हीरोइन है. और आर यू श्योर ना कि हीरोइन है? सिंगर विंगर तो नहीं है ना? जी हाँ, ये एक फीमेल एक्टर की है. आपने वैसे ये सवाल पूछा नहीं है वैसे, बट आपने ये पूछ लिया है कि क्या इनकी मूवीज 2000 के बाद आई हैं, तो मैंने उसका जवाब ऑलरेडी दे दिया. अच्छा मेरे 5. हाँ हाँ ओ हाँ, मेरे 5 क्वेश्चन हो गए ना? जी आपके 5 सवाल हो चुके हैं.
ठीक है यार क्या क्वेश्चन पूछूं, क्या इनकी कोई मूवी, यार कितनी मूवीज में आ चुकी है इसका मैं हाँ और ना मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ आपको। अच्छा तो क्या ये एक्ट्रेस किसी जैसे कॉमेडी फिल्म में इन्होंने रोल किया है? क्या हाँ बोल सकते हो, कॉमेडी में, कॉमेडी मूवी में रोल किया है? जी हाँ। क्या मैं गैस ले सकती हूँ? ये आपका पहला गैस होने वाला है। नहीं ये कोई सवाल नहीं है। हाँ मैं पूछ रही हूँ, मतलब आशीष दो गैस तो ले सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। तो क्या आप अपना पहला गैस लेना चाहेंगी? हाँ जी। ओके क्या है जी आपका पहला गैस? मेरा पहला गैस है क्या ये इलियाना है हीरोइन का नाम? इलियाना डी क्रूज। जी जी नहीं ये इलियाना नहीं है। ओके मेरे 6 क्वेश्चंस हो गए ना? इस गैस को मिला के आपके 7 हो चुके हैं। अब आपका 8वां सवाल आएगा और आपके पास करीब 4 मिनट अभी बाकी हैं। अच्छा ओके क्या ये, अच्छा मुझे सोचने दो बिल्कुल यार। कॉमेडी फिल्म कर चुकी है 2000 के बाद कर चुकी है और क्या अच्छा चलो क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। क्या इनकी मदर एक्ट्रेस थी? क्या इनके मदर भी एक्ट्रेस थी? जी हाँ इनके मदर भी एक्ट्रेस थी। अच्छा फादर नहीं थे मदर थी। फादर क्या कर रहे थे फिर उस टाइम पे? इट वाज गुड। ओके तो फिर दिमाग नहीं चल रहा, थोड़ी हेल्प चाहिए। 3 मिनट के करीब रह गए हैं आपके। कितने? 3 मिनट। आप चाहें तो मैं आपके सवाल रिपीट कर सकता हूँ, इफ दैट विल हेल्प। नहीं नहीं वो क्वेश्चंस तो मालूम है मुझे। 9th क्वेश्चन आपका होने वाला है। 10 क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन से ही पहुंचेगी। यार क्वेश्चन तो याद आए ना तभी तो पूछूं। नवा सवाल है। क्या पूछूं? तू ही हेल्प कर दे मांडवी, चुपचाप बैठी है। मैं बोल नहीं सकती, मेरे पॉइंट काटेगा ये। नहीं बिल्कुल पॉइंट काटने वाली तो कोई बात नहीं है, आप अगर उनको जितवाना चाहती हैं तो बिल्कुल जितवा। बता दूं? हाँ तू मेरी जानो है ना। हाँ हाँ पक्का जानो। तू पूछ कि लास्ट फिल्म कब आई थी, पूछ। वो थोड़ी बताएगा, हाँ ना मैं जवाब देना है ना इसको। अच्छा नहीं लास्ट फिल्म लास्ट अभी इस साल में आई है या नहीं? 2014 में आई है, पूछ। अच्छा मेरा 9th क्वेश्चन है कि क्या उनकी मूवी 2014 में आई है? जी हाँ उनकी 2014 में मूवीज आई हैं। बिल्कुल 14 में मूवीज आई हैं। मूवीज बोला इसने यार, वो भी कॉमेडी मूवी। मैं भी दिमाग लगा रही हूँ, माँ किसकी हीरोइन है यार? यार माँ बाप तक तुम पहुँचे ही नहीं थे। अबे माँ है तो सही हीरोइन चाहिए। हाँ हाँ अच्छी बात नहीं होती किसी के माँ बाप तक चाहिए भैया। यार मुझे 1 मिनट एक्स्ट्रा दोगे क्योंकि 1 मिनट तक तुम लोग ने बहुत बातें की हैं। आप बात कर रही हैं अपने फ्रेंड से। ओके लास्ट ईयर मूवी आई है 2014 में, ये भगवान मुझे याद दिला दो। बहुत ही फेमस हैं। है इतनी फेमस? एक मिनट से कम का टाइम रह गया है आपके पास। यार ऐसे मत बोलो, अभी 3 मिनट बोले थे। अब पूरा 1 मिनट बाकी है।
क्या बोलूँ लास्ट ईयर मूवी आई है, नहीं याद आ रहा. कैसे मार ले लीजिए, 50 सेकंड्स हैं अभी. कुछ याद नहीं आ रहा, क्या पूछो. कोई हीरोइन का नाम याद नहीं आ रहा. लास्ट ईयर कौन कौन सी मूवीज आई है जो आजकल चल रही हैं? आलिया भट्ट की मम्मी कौन है? मुझे मालूम होता तो मैं ना बोलने देती. आलिया भट्ट है. 20 सेकंड्स. आप गेस्ट ले सकती हैं डायरेक्टली अगर लेना चाहें. क्या बोल 10 सेकंड्स. आप जल्दी से गेस्ट ले सकते हैं. 3 2 1. अरे मैंने पूछा ना नरगिस फाकरे हैं. आपका गेस था कि क्या ये नरगिस फाकरी हैं? जी नहीं, ये नरगिस नहीं हैं और आपका टाइम भी अप हो गया है. नरगिस फाकरे कौन है वैसे? मैंने तो नाम ही पहली बार सुना है भाई. अरे आई है ना मूवीज में, तो आई तो है. मैं तेरा हीरो में जो है उसमें मद्रास कैफे. ओह शिट, ये वो तो नहीं थी? नहीं वो तो शक्ति कपूर की बेटी है. आप लोगों ने नाम लेके भी नहीं नाम आलिया दिया. थी ना? जी हाँ, इसका सही जवाब था आलिया भट्ट. आलिया भट्ट की मदर है सोनिया राजदान, जो कि एक एक्ट्रेस रही हैं. सोनी राजदान महेश भट्ट की बेटी है ये. हाँ मैं देखो पता है क्योंकि आलिया भट्ट ने क्यों, मैंने ना कृष्ण भगवान जी से कंपेयर किया था. बाय गॉड तेरे कृष्ण भगवान जी से आलिया भट्ट को कंपेयर करके. आई एम श्योर. एक सेकेंड. आई एम सो सॉरी इंटरप्ट, बट ना इस दुनिया में रीजनिंग नाम की भी कोई चीज होती है. रीजनिंग में कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन होता है. इन आई कनेक्टेड कृष्ण भगवान जी. यार आलिया भट्ट कौन सी कॉमेडी मूवी में आई है? हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, अभी लास्ट ईयर इनकी ये कॉमेडी मूवी आई थी. अच्छा मैंने देखी नहीं ना. जी नहीं पता आलिया भट्ट इसलिए क्योंकि ये ना बहुत कॉमन और मतलब कि नॉर्मल वाली पर्सनालिटी, तो दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग आलिया भट्ट. मुझे ना उसकी मदर का नहीं पता था ना उसके बारे में. मेरे को भी नहीं पता था, आज ही पता चला उसकी मम्मी है कौन. चलिए कुछ नहीं होता, बट अच्छा अटेम्प्ट था. पर इस राउंड में पारुल जी को पॉइंट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि वो गेस नहीं कर पाई हैं. तो फर्स्ट राउंड यानी फेस ऑफ राउंड के बाद हमारा सॉरी तो फर्स्ट राउंड हमारे वन ऑन वन राउंड के बाद जो हमारा स्कोर हो गया है वो है मांडवी जी 8 पॉइंट्स पे और पारुल जी ने अभी अपना खाता नहीं खोला है, वो अभी 0 पॉइंट्स पे है. पर कुछ नहीं होता, अभी हमारे पास दो और राउंड है फेस ऑफ में, तो देखते हैं कि क्या वो उस गैप को मेकअप कर पाएंगे. पर हम ये देखेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद. कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो उड़ान. डिबेट इज अ पैशन, डिबेट इज एन ऑब्सेशन. डिबेट, इट्स टाइम टू टेक अ स्टैंड. डू यू थिंक यू हैव एन अपर हैंड? Then let's debate every controversial matter in Badalta Door every Saturday from 10 p.m. to 11 p.m. only and only on Radio Udaan. Welcome back, listeners. After this very short break, बहुत ही मजा आ रहा है इन दोनों के साथ ये गेम खेल के. करता हूँ आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा. अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट राउंड में जो कि है फेस ऑफ राउंड. बहुत ही सिंपल सा राउंड है, इसमें दोनों आप दोनों इकट्ठे ये गेम खेलेंगी, एक एक करके सवाल पूछेंगी और जो भी जल्दी गेस कर पाएगा उसको मिल जाएंगे सारे पॉइंट्स. पर इसमें दो चीजों का ध्यान रखना है आपने. एक, इसमें सिर्फ एक गलत गेस आप ले सकती हैं. अगर आपने गलत किया उस गेस को, मतलब दूसरा गेस आपने लिया और वो गलत हुआ, तो आपका जो ओपोनेंट है वो ऑटोमेटिकली इस गेम को जीत जाएगा. और दूसरी जो अच्छी चीज है वो ये है कि अब टाइम लिमिट नहीं है, आप जितना भी टाइम चाहें ले सकती हैं. मैं यहाँ पे अपने लिसनर्स को बता दूं कि वो भी हमारे साथ ये गेम खेल सकते हैं, साथ साथ जरूर गेम खेलते रहिए. अगर आपको लगता है कि आपने गेस कर लिया कि पर्सनैलिटी कौन है, तो आप हमें चैट कर सकते हैं हमारी रेडियो उड़ान आईडी पर, जो कि स्काइप आईडी है और वो आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN.
तो आप हमें चैट कीजिए और हम आपको बताएंगे कि आपने जो गेस किया है वो सही है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेकेंड राउंड, फेस ऑफ राउंड। पहले क्योंकि इस टाइम पे अभी मांडवी जी लीड कर रही हैं, तो मांडवी जी कैटेगरी आपको चूज करने को मिलेगा। कौन सी कैटेगरी चूज करना चाहेंगी? आपकी चार कैटेगरीज फिर से वही हैं, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, हिंदू माइथोलॉजी एंड बिजनेस। बिजनेस, एक सेकेंड पारुल बोल, कौन सी करनी है? बिजनेस नहीं बोल लियो। नहीं 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 पागल है, बॉलीवुड या माइथोलॉजी से मैं सब बोल, पॉलिटिक्स का अपना खाली है डब्बा। यार बॉलीवुड ही ले ले, मेरा तो डब्बा उसमें भी खाली है। तू तो मेरे को लुड़का थे मानेगी। नहीं नहीं, हम दोनों का कंबाइन क्वेश्चंस करने ना। अभी एक और राउंड भी है जिसमें आपने एक और कैटेगरी चूज करनी। वैसे आप तो कह रही हो पागल, माइथोलॉजी में 10-15 ही भगवान है, वो ही निपटा ले। भाई ऐसा ना हो कि तू जी जाए मैं जीरो पे ही रह जाऊं। अच्छा ना 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 बहन ले, बॉलीवुड करो भाई आशीष भैया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो अब हम जो जो अब हम पर्सनालिटी लेंगे वो होंगी बॉलीवुड में से, और आप लोग इकट्ठे इसको गेस करेंगे। पहला सवाल पूछेंगे मांडवी जी, आप लोग शुरू कर सकते हैं अब। मेल या फीमेल, मतलब कि मेल है क्या ये पर्सनालिटी? मेल है क्या ये बॉलीवुड पर्सनालिटी? मेल है? जी नहीं, ये मेल पर्सनालिटी नहीं है। चल पारुल एक डब्बा साफ। ओके, क्या ये पर्सनालिटी 2000 के बाद की मूवीज में आए हैं? जी हाँ, ये 2000 के बाद की मूवीज में आई हैं। अनमैरिड? जी हाँ, ये अनमैरिड हैं। क्या इनके फादर भी मतलब एक्टर थे? चौथा सवाल है आप लोगों का, क्या इनके फादर भी सॉरी इनके फादर अनमैरिड नहीं हो सकते? इनके क्या इनके फादर फिल्म एक्टर थे या हैं? तो जवाब है जी नहीं। और मम्मा? पांचवा सवाल ये मांडवी जी का है। हाँ मैंने पूछ लिया ना मम्मा। क्या इनकी मदर फिल्म एक्टर यानी एक्ट्रेस हैं या थी? तो जवाब है जी नहीं। पारुल पूछ कि कोई भी पर्सनालिटी है हाई फाई, क्या मतलब कि नॉन पर्सनालिटी है क्या? मम्मी पापा पूछ क्या? तू तो चुप कर। वो अपना सवाल पूछ सकती हैं मांडवी जी, अब कृपया उन्हें बुली मत करें। क्या इनकी जो पेरेंट्स हैं वो नॉन पर्सनालिटी हैं? क्या इनके जो पेरेंट्स हैं वो नॉन पर्सनालिटीज हैं अदर देन being their her parents, वो काफी known है। हाँ. ऐसा आपका सवाल है? जी 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 नहीं, I would not say that. Okay. अच्छा, 2000 के बाद की मूवीज है, मम्मी पापा कुछ नहीं है। नहीं, अपने फील्ड में तो कुछ कुछ होंगे बट जैसे आप कह रही हैं वैसे नोन नहीं है। ओके फाइन, इनकी जो अभी हाला मतलब कि रिसेंटली विद इन लास्ट वन और टू इयर्स इन्होंने किसी एक फेमस स्पोर्ट्स की लाइफ के ऊपर कोई मूवी करी है? क्या इन्होंने किसी फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी पे बेस्ड मूवी की है? आपका सवाल ये है? कोई बायोग्राफिकल मूवी की है? जी नहीं। या? जी नहीं। क्या इनकी सिस्टर भी फिल्म एक्टर है, एक्ट्रेस? क्या इनकी सिस्टर भी बॉलीवुड में एक मूवी एक्टर या मूवी एक्ट्रेस हैं? जी नहीं। ओह गॉड, नौवां सवाल, कितने क्वेश्चंस? आठ होंगे ना जी। मांडवी जी की बारी। हां जी, अब रुको एक सेकंड, सिस्टर भी नहीं है तो चोपड़ा भी नहीं है। चोपड़ा तो तेरे लास्ट क्वेश्चन से ही नहीं थी। हाँ चोपड़ा तो वहीं पे कट गई थी। मुझे लगा बहन होगी, वो भी गई। हाँ बहन वो भी गई। और मदर फादर नहीं, मैरिड नहीं।
मतलब कि ये कोई मिस रही है, मिस वर्ल्ड, मिस पैसिफिक और मिस एशिया टाइप समथिंग व्हाटसोएवर, मिस इंडिया? मिस तो रही हैं अभी obviously, but क्या इन्होंने कोई ब्यूटी पेजेंट, मेजर ब्यूटी पेजेंट जीता है, इंडियन ब्यूटी पेजेंट जीता है? आप ये जानना चाह रही हैं? इंडियन या इंटरनेशनल दोनों व्हाटसोएवर मिस रह चुकी है ये कभी के भी? जी नहीं, इन्होंने कोई बहुत मेजर ब्यूटी पेजेंट नहीं जीता है. सुष्मिता सैन भी गई पारू. अरे वो तो छोड़ तू उसको. अच्छा ये बताओ, मेरा क्वेश्चन है ना, दस टेंथ हो गया ना, टेंथ है ना क्वेश्चन? जी ओके. क्वेश्चन भी भूल गई, क्या पूछने वाली थी मैं. हाँ, क्या इनकी 2014 में कोई मूवी आई है? क्या इनकी 2014 में कोई मूवी आई है? जवाब है जी हाँ. जी हाँ ओके. 14 में भी आ ली ब्यूटी पेजेंट नहीं जीता. 11 सवाल. यार मुझे तो नए नए हीरोइनों के ना नाम भी नहीं पता. ये बहुत ही फेमस है जी. ये बैंड बाजा बारात में थी क्या? क्या इन्होंने बैंड बाजा बारात नामक मूवी में काम किया था? तो जवाब है जी नहीं. तेरा कल्याण हो. चल पारू शुरू. बैंड बाजों में भी नहीं थी. हाँ नहीं तो थी. 14 में कौन कौन आया था पारू, जिसके माँ बाप कहीं के नहीं रहे? माँ बाप कहीं के नहीं रहे. फेमस भी है यार. फेमस भी है ना? हाँ फेमस है. क्या कोई गैस लिया जा सकता? अगर अच्छा आशीष, अगर मैं यहाँ पे गैस लेती हूँ तो उसके बाद मैं क्वेश्चंस नहीं पूछ पाऊंगे? पूछ पाएंगे आप, उसके बाद गलत गैस नहीं और ले पाएंगे आप. एक इकलौता गलत गैस यहाँ पे ले सकती हैं, उसके बाद अगर आप गैस लेंगे और वो गलत हुआ तो आपकी गेम ओवर हो जाएगी. ठीक है मैं अपना गैस लेना चाहती हूँ. ठीक है बताइए. दीपिका पादुकोण. क्या ये दीपिका पादुकोण हैं? तो जवाब है जी नहीं. दीपिका पादुकोण जी के फादर काफी जानी मानी पर्सनालिटी हैं, प्रकाश पादुकोण. वो बैडमिंटन प्लेयर हैं. अभी अभी पता चला. भारत के टॉप मोस्ट बैडमिंटन प्लेयर्स में से एक. अच्छा एक बात बताओ कि इस वाली बंदी की मूवी शाहरुख खान के साथ आई है कभी? क्या इनकी कोई मूवी शाहरुख खान के साथ आई है? जी हाँ बिल्कुल. 13वां सवाल था ये आपका. शाहरुख खान के साथ आई है वो भी लास्ट ईयर. 14th सवाल और ये बारी है पारुल जी की. पूछिए लास्ट ईयर आई थी. पूछिए पूछ तो पूछिए. 2014 में आई थी. नहीं वो शाहरुख खान के साथ नहीं आई थी. मतलब कि ये पता नहीं है कि कब आई थी. शाहरुख खान के साथ नहीं पता कब आई थी. 14 में उसकी मूवी आई थी ये है ना. तू हाँ 14 में उसकी मूवी आई थी. अब तूने पूछा शाहरुख के साथ आ चुकी है. ठीक है दीपिका पादुकोण को साइड कर दे. अब तू ये सोच के शाहरुख के साथ कौन कौन सी हीरोइंस आई है जो मेरे दिमाग में आई है ना बंदी. उसकी 2014 में नहीं आई शाहरुख के साथ जो मेरे दिमाग में मूवी है. वो बंदी तो बंदी है ना वो मुझे मालूम है. 2013 में आई है. यार शाहरुख के साथ आई है 2014 में उसकी मूवी रिलीज हुई है. अभी हमारा 12th है ना क्वेश्चन जो अब आप पूछेंगी. नहीं, नहीं. हाँ हाँ ये आपका 14th क्वेश्चन होगा. 14th है. 14th बचाई गया यार. किसको नंबर मिलेंगे? अगर आप अभी जवाब दे देंगे तो आपको 6 पॉइंट मिल सकते हैं पारुल जी. है पर अगर आपने गलत गैस किया तो 6 पॉइंट सीधा मांडवी जी को मिल जाएंगे बिना गैस किए. नहीं मैं गैस क्यों करूंगी फिर.
एक मिनट यार, इसमें टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है ना, तो सोचने दो प्लीज। बिल्कुल सोच सकते हैं आप। यार लास्ट ईयर की मूवीज दिमाग में नहीं आ रही, हद हो गई। तो ऐसे बोल रहे जैसे बड़ी लास्ट ईयर सारी देखी थी बट यार ज्यादातर तो देखी देखी थी। यार ऐसी कौन सी लड़की छुपी बैठी है जिसके माँ बाप का भी पता नहीं। बहुत ही जानी मानी पर्सनालिटी है ये। मांडवी तू ही गैस कर ले, 6 पॉइंट इधर आने दे। नहीं मैं अगर अभी गलत गैस करूंगी तो नहीं आएगी। मेरे पास गैस बाकी है, अभी मैंने नहीं किया। अगर आपको कुछ आइडिया है पारुल जी, आप वैसे यहाँ पे यू कैन गैम्बल बट इफ यू वांट टू बी लिटिल सेफ, क्योंकि आई एम श्योर कि मांडवी जी गैस के साथ तैयार हैं, मुझे लग रहा है। है मांडवी मेरे दिमाग में है लेकिन मूवी याद नहीं आई लास्ट ईयर वाली ना। नहीं आई हैव टू। अच्छा मेरा क्वेश्चन है कि क्या उनकी कोई मूवी आमिर के साथ भी आई है? क्या उन्होंने आमिर खान के साथ भी कोई मूवी की है? तो जवाब है जी हाँ। मैं भी गेस ले सकती है आमिर के साथ। यार मेरी वाली बंदी का तो नहीं था लेकिन तेरा टर्न है क्वेश्चन करने का अब तो। जी हाँ रुक ना, आमिर के साथ भी आई है लास्ट ईयर। यार कौन कौन सी मूवीज आई हैं? बहुत सारी मूवीज आई होंगी लास्ट ईयर में, तो खैर कमी नहीं है। यार वो कौन सा था, जायद खान, इसकी मूवी जायद खान के साथ भी है ना? क्या ये आपका सवाल है? ये जायद खान कौन है? जी जायद खान। क्या इन्होंने जायद खान के साथ भी मूवी की है? जी नहीं, ये जायद खान के साथ नहीं आई है। क्या वो कटरीना कैफ है? पारुल क्या ये आपका सेकंड गेस होने वाला है? हाँ सही है बेटा, तो पता नहीं लग तो गलत ही रहा है। नहीं कैटरीना की आमिर के साथ कौन सी है यार? आपका सवाल है क्या ये कैटरीना कैफ हैं? ये आपका सेकंड गेस है और ये गलत हुआ तो मांडवी जी को 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे, और अगर ये सही हुआ तो आपको 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इसका सही जवाब है जी हाँ, ये कैटरीना कैफ। थैंक गॉड 4 पॉइंट तो मिले। पारुल जी ने गेन कर लिए हैं 4 पॉइंट्स। बिल्कुल कैटरीना कैफ ही हैं ये करियर अपना मूवी करियर शुरू करने से पहले एक सक्सेसफुल मॉडल रही हैं, ब्रिटिश हांगकांग को बिलोंग करती हैं ये, और इन्होंने 2013 में एक मूवी की थी धूम 3, जिसमें ये आमिर खान के ऑपोजिट थी, और जब तक है जान की मूवी 2012 में आई थी जिसमें की ये शाहरुख के साथ थी। 2014 में इनकी जो मूवी आई थी जो कि नहीं चली थी वो थी बैंग हाँ, बैंग, बैंग ऋतिक रोशन के साथ थी। बस ये तीनों गैस मेरे भी थे तो, और मैं पता है अमृता राव पे चली गई थी। नहीं पता है जब मैंने क्वेश्चन किया था कि तूने क्या था शाहरुख के साथ आई है, तो मेरा दिमाग गया था कैटरीना, फिर मेरा क्लियर करने के लिए मैंने तभी पूछा कि आमिर के साथ आई है, तो हाँ तो मैं सोचा कि यही है। बहुत बढ़िया, तो इस राउंड पे फेस ऑफ राउंड के खत्म होते तक पारुल जी ने भी अपना खाता खोल लिया है, उन्होंने गेन कर लिए हैं 4 पॉइंट्स, और अब वो सिर्फ 4 पॉइंट्स पीछे रह गई हैं मांडवी जी से। देखते हैं कि फाइनल फेस ऑफ राउंड में क्या ये गैप को क्लोज कर पाएंगी और जीत पाएंगी आज का ये गेम शो। पर हम ये देखेंगे आपके साथ एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए रेडियो उड़ान पर। लेके आए हम कहानियों का अपने
कहानी वेद पुराणों की कहानियों मनोरंजक कहानियाँ, जीवन को राह दिखलाने वाली कहानियाँ, धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक और राजनैतिक हर पक्ष को छूती हैं कहानियाँ। दादाजी की कहानी। तो इन्हीं कहानियों को मैं सुनाने आ रही हूँ, यानी आरजे गीता सुमन, दादाजी की शो कथा लोक में हर मंगलवार शाम 7 से 8 और हर बुधवार दोपहर 2 से 3। तो सुनना मत भूलिएगा, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। वेलकम बैक लिसनर्स आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने 3 राउंड खेले हैं अभी तक, और अभी तक जो स्कोर है मांडवी जी 8 पॉइंट्स और पारुल जी 4 पॉइंट्स के साथ, बहुत ही क्लोज गेम है। और अब हम एंटर कर रहे हैं अपना फाइनल फेस ऑफ राउंड इन दोनों के साथ। पहले कैटेगरी चूज की थी मांडवी जी ने, तो अब बारी है पारुल जी की कैटेगरी चूज करने की। आपकी 4 कैटेगरीज फिर से वही, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, हिंदू माइथोलॉजी एंड बिजनेस। क्या चूज करेंगी पारुल जी? माइथोलॉजी चूज कर ले पारुल। चल अच्छा माइथोलॉजी कर लेते हैं ना, तू खुश है मेरी जानू। नहीं नहीं नहीं, आई एम श्योर ना कि आशीष हमारी हेल्प करेगा। बिल्कुल, मैं बहुत हेल्प करता हूँ सभी की, मैं बहुत ही हेल्पफुल पर्सनालिटी हूँ। लग रहा है, वो तो बिल्कुल लग रहा था अभी तक। अभी तो हाँ या ना बोलते हो। इतना हेल्प क्या करना है बताओ। बॉलीवुड बोल दे बहन भाई। ठीक है, मैं बॉलीवुड चूज करती हूँ पर्सनालिटी। ओके, पारुल जी ने चूज की है बॉलीवुड। तो चलिए अब आप पूछ सकते हैं पहला सवाल, जो कि है एक बॉलीवुड पर्सनालिटी। कौन पूछेगा? पहला सवाल पूछेंगी आप पारुल जी। ठीक, क्या ये पर्सनालिटी फीमेल है? जी नहीं, ये एक मेल पर्सनालिटी है। ये ले पारुल, मैं शाहरुख बोलूं क्या? ओके फाइन, मैरिड और अनमैरिड? लाइक हाँ मैरिड। क्या ये पर्सनालिटी मैरिड हैं? जी हाँ, ये मैरिड हैं। क्या इनकी मूवीज 2000 के बाद की हैं? क्या इनकी मूवीज 2000 के बाद आई हैं? जी हाँ, इनकी मूवीज 2000 के बाद आई हैं। अवार्ड वुड काफी सारे जीते हुए हैं। बहुत ही रिलेटिव सा क्वेश्चन है वैसे ये। अवार्ड वुड क्या मैं, आप चाहती हैं कि मैं इसका जवाब दूं पांडवी जी? अरे जीते होंगे पागल, बर्बाद मत कर क्वेश्चन, सब एक्टर जीतते हैं। अच्छा, सबको मिल जाता है यार, किसी को न्यू कमर में किसी को ओल्ड, ऐसे मिल जाता है। छोड़ना ही क्वेश्चन, तो ये पूछ। अच्छा पूछ। अच्छा मैरिड है, मेल है, 2000 के बाद के हैं। Is he ever been awarded as the star of millennium? The award, देखिए millennium star. क्या उनको star of the millennium का award दिया गया है? तो yeah. जवाब है जी नहीं। जी नहीं। क्या उनकी wife भी एक actress थी या है? क्या उनकी वाइफ भी एक एक्टर, फीमेल एक्ट्रेस हैं? जी हाँ। कैन आई टेक माय गेस? जी बिल्कुल मांडवी जी, आप इसी स्टेज पे गेस लेना चाहेंगी? छठा सवाल है ये आपका। जी अजय देवगन। क्या ये एक्टर अजय देवगन हैं? तो जवाब है जी नहीं। गया। अब आप गलत गेस नहीं दे सकते। 7th सवाल पारुल जी के बारे में। क्या
क्या उनका पहले मतलब कब, क्या उन्होंने अपनी लाइफ में मतलब सेकंड मैरिज की है, दो शादियां की हैं? जी नहीं, उन्होंने दो शादियां नहीं की हैं। अच्छा, मतलब दो शादी का मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि पहले उनका डाइवोर्स हो चुका है फिर उन्होंने दोबारा रीमैरिज किया। हाँ, तो फिर वो दो ही शादियां हो जाती हैं। ठीक है, मतलब मुझे लगा ऐसे नहीं कि तुम दो वैसे समझ रहे हो। ठीक है, सेवंथ भी गया। सेवंथ तो गया लेकिन वो बंदा भी तो चला गया। छोड़ ना, और मिलेंगे। अच्छा। अब पता है सेवेंथ है ना, अब प्लीज सोचने दे, चुपचाप चुप हो जाओ, सोचने दो, उसमें कोई टाइम की लिमिट नहीं है। तूने अजय देवगन, मेरा दिमाग वहीं जा रहा था। अब मेरा दिमाग जहाँ जा रहा था वो तूने साफ कर दिया। हमारा एट्थ क्वेश्चन है ना? जी बिल्कुल, ये आपका सेवेंथ सवाल होगा मांडवी जी जो पूछेंगे अभी। हाँ, तो माई क्वेश्चन इज दिस कि वो मतलब कि एट्थ क्वेश्चन मांडवी जी पूछेंगे। जी आपका सवाल। हाँ, आई मीन टू आस्क कि उनकी शादी किसी फेमस एक्टर की बेटी से हुई है? क्या उनकी शादी किसी फेमस एक्टर की बेटी से हुई, यानी जो उनके ससुर हैं वो भी क्या एक फेमस एक्टर हैं? है या थे? हैं या थे? जी नहीं, बताओ। वो भी गया। वो भी गया। अरे नहीं भाई, गलत क्वेश्चन पूछा है यार। नहीं यार, सही पूछा है। अब नाइन्थ क्वेश्चन है ना? एट है बे। नहीं नाइन्थ, एट तुमने पूछा ना मुझे, नाइन्थ मेरा नाइन्थ है। सेवन पूछा मैंने। नहीं, आपका आठवां था, अब ये नौवां सवाल होगा। अच्छा यार, अगेन जानी मानी पर्सनालिटी, बहुत ही सिंपल हैं मांडवी जी, आपको भी जरूर पता है इनका। मुझे पता है जी बिल्कुल। यार वाइफ भी एक्ट्रेस है, अजय देवगन है नहीं, सैफ भी नहीं है। अच्छा माय क्वेश्चन इज, क्या उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस रह चुके हैं, बहुत ही ज्यादा फेमस? क्या उनके पेरेंट्स भी बॉलीवुड में फेमस एक्टर्स रहे हैं? तो जवाब है जी हाँ। अच्छा, दसवां सवाल। अच्छा अच्छा, तो ये मेरा सवाल ये है अब कि वो जो हैं वो हाँ, I mean to say he is an elder man, like वो पुराने हीरोज में भी है ना? इसका क्या मतलब हुआ मांडवी जी? नहीं मैं ये पूछ रही हूँ कि उनकी एज मतलब कि 50s में है? क्या उनकी एज 50 से ज्यादा है, ये सवाल है आपका? हाँ जी जी। हाँ नहीं जी। उनकी एज 50 से ज्यादा नहीं है। यार पेरेंट्स भी बहुत फेमस हैं। मैं गेस ले सकती हूँ? जी बिल्कुल पारुल जी। 11वां है ये सवाल। हाँ 11वां है ना, और आपका पहला क्या गेस? क्या वो अभिषेक बच्चन है? क्या वो एक्टर अभिषेक बच्चन है? उनके पेरेंट्स मूवीज में हैं, उनकी वाइफ भी मूवीज में हैं, 2000 और उसके बाद उनकी मूवीज आई हैं, और सही जवाब है जी हाँ, वो अभिषेक बच्चन ही हैं। Yes! बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गेस। आपने 10 सवालों में ही गेस कर लिया है कि अभिषेक बच्चन है, तो आपने 10 पॉइंट्स पारुल जी गेन कर लिए हैं, और 4 पॉइंट्स आपके पिछले राउंड के, तो आपने टोटल इस गेम में गेन कर लिए हैं 14 पॉइंट्स, और मांडवी जी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, उन्होंने गेन किए थे 8 पॉइंट्स, तो आज का ये एपिसोड जीत लिया है पारुल जी ने। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया आप दोनों के साथ ही खेल के। क्या कहना चाहेंगी पारुल जी? सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ आप लोगों को, और मुझे भी बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया मैंने। क्वेश्चंस भी टफ नहीं थे, शायद मांडवी के लिए टफ होंगे क्योंकि मैंने बॉलीवुड चूज किया था, अदरवाइज मेरे लिए इतने टफ नहीं थे। मांडवी जी ने पूरा पूरा सैक्रिफाइस किया और अपने फेस ऑफ राउंड में भी उन्होंने बॉलीवुड चूज किया, जबकि वो माइथोलॉजी कर सकती थी, पर दैट इज हाउ फ्रेंड्स आर। तो मांडवी जी क्या कहना चाहेंगे आप हमारे लिसनर्स को? मैं यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आई थी एंड आई एम वेरी सैटिस्फाइड कि मैंने फुल एंजॉय किया, और हार जीत का क्या है, वो तो चलती रहती है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, बट एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एंजॉयमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड दैट वी डिड एक्चुअली। एब्सोल्युटली, एंड मैंने भी आप लोगों के साथ बहुत एंजॉय किया, आई एम श्योर हमारे लिसनर्स को भी उतना ही मजा आया होगा जितना हमें ये गेम खेल के आया। बिफोर वी साइन ऑफ लेट मी विश ऑल the female listeners of Radio Udaan a very very happy International Women's Day, and same I want to wish to Parul and Mandvi ji jinhone aaj Women's Day ke din aake hamare saath ye game kheli, and thank you Ashish and thank you Radio Udaan for making us part of this day, and hope ki is Women's Day pe hum sab women's को या females को will get some light and some what to say Parul? मैं तो अपनी तरफ से यार बस thank you Radio Udaan and आशीष same to you, तो sorry नहीं बोलूंगी लेकिन हाँ Mandvi happy women's day to you also। नहीं, आई रियली विश फॉर ऑल लेकिन फ्रॉम वेमेन कम्युनिटी कि बहुत वी ऑल आर डूइंग रियली वेल, एंड आई विश कि जल्दी ही लेकिन वील बी ऑन आर इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। हाँ एग्जैक्टली Absolutely, I think our society is slowly but steadily moving towards that, and बिल्कुल बहुत ही जल्दी ऐसा होगा कि all are treated equally in this society. Thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए, thank you, and listeners बने रहें रेडियो उड़ान के साथ, मैं मिलूंगा आपको अगले हफ्ते, goodbye.